हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने दो समतल दर्पण यदि थीटा कोण पर झुके हुए हैं तो उनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों के लिए फॉर्मूले पढ़े थे। प्रथम फॉर्मूला हमने पढ़ा था, यदि 360 डिग्री बटे थीटा बराबर सम हो तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा माइनस वन होती है। अब हम बात करें कि 360 डिग्री बटे थीटा बराबर सम ये कैसे होगा। सपोज दो समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं तो हमें यह पता करना है कि ये सम है या विषम है। तो थीटा का मान 60 डिग्री, हमारे पास फॉर्मूला है 360 डिग्री बटे थीटा, तो यहां चेक करेंगे कि ये सम है या विषम है। तो 360 के अंदर हम 60 का भाग देंगे। 60 का भाग देने पर हम देखते हैं कि हमें 6 प्राप्त होता है, 0 से 0 और 36 में 6 का भाग देते हैं तो 6 प्राप्त होता है और 6 जो है ये सम होता है। 6 क्या है यहां पर? सम। तो हमारे पास 360 डिग्री बटे थीटा का मान कितना प्राप्त हुआ? सम प्राप्त हुआ। जब ये सम प्राप्त हुआ तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा माइनस वन। तो 360 डिग्री बटे थीटा का मान हमें प्राप्त हुआ है 6, तो 6 माइनस वन इक्वल टू 5। इस कंडीशन में बनने वाले जो प्रतिबिंबों की संख्या है वो 5 होगी। यदि दो समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं तो बनने वाले जो प्रतिबिंब की संख्या होगी वो 5 होगी। अब इस पर हम न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चंस, यदि दो समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए हो तो इनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन है, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए हो तो इनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब अगर दो समतल दर्पण 45 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हैं, 45 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हैं तो इनके मध्य कितने प्रतिबिंब बनेंगे। सॉल्यूशन हम देखते हैं, थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री है, थीटा दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्वेश्चन में दिया पाया हमें कि कितने डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, 45 डिग्री के कोण पर, 45 के एंगल पर, तो थीटा दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमें पता करना है ये सम या विषम है, उसके लिए चूंकि 360 डिग्री अपॉन 45, जब हम 360 में 45 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, भाग देके देखो इसमें, अगर 360 में 45 का भाग देते हैं तो 8 प्राप्त होता है। तो 8 जो है ये क्या है, यहां पर हमारे पास सम है, और सम है तो इसके लिए सम का फॉर्मूला अप्लाई होगा। प्रतिबिंबों की संख्या कौन से होंगे, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, n बराबर फॉर्मूला लगेगा 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1, क्योंकि 8 जो है वो सम है, तो n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा की जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो हमें प्राप्त हुई है 8 माइनस 1, मतलब जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 7। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए होंगे तो उनके मध्य बनने वाले जो प्रतिबिंबों की संख्या है वो 7 प्राप्त होगी। ऐसे ही अन्य क्वेश्चन हम और देखते हैं, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हो, अगर हम 45 की जगह अब क्या क्वेश्चन कर देते हैं 60 डिग्री, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन है यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हो तो इनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, अभी क्या था वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। सॉल्यूशन देखें, थीटा की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन पढ़कर पता करें एक बार, क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें किसकी वैल्यू हमें दी गई है। तो यहां हमने पढ़ा यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हो तो हमें कितना थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। क्वेश्चन में स्पष्ट है कितना लिखा हुआ है, 60 डिग्री, तो हमारे पास थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। अब हमें वही पता करना है कि ये सम है या विषम है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चूंकि 360 अपॉन थीटा, तो ये हो गया हमारे पास 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू, यदि 360 के अंदर हम 60 का भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 6, जो सम है। क्या ये सम है, और सम है तो
जो फॉर्मूला अभी हमने यूज किया था वही फॉर्मूला दोबारा यूज करेंगे, इसलिए बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस वन। 360 अपॉन थीटा का मान हमें प्राप्त हुआ है 6 माइनस वन दिस इज इक्वल टू 5। मतलब जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, 5 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हों, क्या रखे हों अब लंबवत, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हो तो इनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी जो क्वेश्चन अपन ने दो क्वेश्चन किए सेम वही क्वेश्चन है, पैटर्न वही है, केवल क्वेश्चन पढ़कर तुम्हें पता करना है कि थीटा की वैल्यू क्या है। हमने क्वेश्चन पढ़ा, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हो तो इनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट हमें इसने थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी है, लैंग्वेज रूप में दी हुई है, जिसको हमको पहचान करनी है कि एक दूसरे के लंबवत, क्वेश्चन में लिखा हुआ है लंबवत रखे हुए हैं, लंबवत मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो वही सॉल्यूशन हम करते हैं यहां पर, क्यों थीटा की वैल्यू प्राप्त पता करनी है अपन को, थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है लंबवत है, इस वजह से थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है वही पता करना है कि ये सम है या विषम है, क्योंकि 360 डिग्री अपॉन 90 डिग्री, मतलब 360 अपॉन थीटा, ये तो लगा दिया अपन ने फॉर्मूला और आगे लिखा 360 डिग्री अपॉन 90 डिग्री। तो 360 के अंदर 360 के अंदर हम 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री का भाग लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 4, चार बार भाग जाएगा, और 4 क्या है, क्या है 4 सम, सम, इसलिए बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या स्मॉल n बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस वन, 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस वन, और 360 डिग्री अपॉन थीटा की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई है कितनी प्राप्त हुई है 4, तो 4 माइनस वन, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी 3, मतलब कितने प्रतिबिंब बनेंगे 3 प्रतिबिंब बनेंगे, कब
जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हो तो उनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तीन होगी। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हो, क्वेश्चन नंबर लंबवत है तो समांतर भी हो सकते हैं। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हुए हो तो इनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमारा क्वेश्चन जो है, दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हुए हो तो इनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके पहले वाला क्वेश्चन था कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हैं। कैसे रखे हुए थे? लंबवत रखे हुए थे तो वहां थीटा का मान कितना था? 90 डिग्री। उससे हमने प्रतिबिंबों की संख्या निकाली। अब हम यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के पता करते हैं कि थीटा का मान कितना है। दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर, समांतर का मतलब क्या हो गया? थीटा बराबर 0 डिग्री। दोनों पैरेलल है और पैरेलल होंगे तो उनके मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो सॉल्यूशन जो है सेम ओ का वही सॉल्यूशन है, समांतर है दोनों तो थीटा बराबर 0 डिग्री। क्यों है? क्योंकि दोनों समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हैं, जब ये एक दूसरे के समांतर होंगे तो इनके मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब हमें वही पता करना है, तो जब इनके मध्य 0 डिग्री का कोण बनेगा तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। कंडीशन वही है, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि 360 डिग्री अपॉन थीटा, तो क्या आ गया अपने पास? 360 डिग्री बटे 0 डिग्री। मतलब किसी भी संख्या में यदि हम 0 का भाग देते हैं तो हमें इनफाइनाइट प्राप्त होता है, अनंत प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अनंत। जब अनंत प्राप्त हुआ तो बनने वाले प्रतिबिंब भी क्या होंगे? अनंत ही होंगे। मतलब ये हो गया, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हुए हो, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हुए हो तो इनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंब अनंत होंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। मैंने इस टॉपिक के ऊपर 4 क्वेश्चन समझाए और इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा तुम्हें क्लियरिफिकेशन थोड़ा डिटेल में किया है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर हमें थीटा की वैल्यू पता है तो हम इनके बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। केवल हमें पता करना है कि सम है या विषम है। जब तक, ये भी हम ध्यान रखें, जब तक हमें असममित कंडीशन न दे दी जाए तब तक हम
असममित कंडीशन वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। असममित के लिए वो स्पेशल कंडीशन केसेस में डालता है असममित, तो असममित देगा जब भी फॉर्मूला लगाना है, वरना सभी में लगभग लगभग यही फॉर्मूला यूज होता है। ये हमारा टॉपिक यहां पर कंप्लीट होता है। अब इसके नीचे हम बात करें एक और नोट में, कंडीशन और स्पेशल केसेस और अपन डाल देते हैं नोट के अंदर। ये भी पूछता है कितनी बार कंप्लीशन लेवल में। सपोज जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हुए हैं, तो हमारा पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, मतलब किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब, मिनिमम पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए मिनिमम दर्पण की लंबाई कितनी हो, लंबाई मतलब उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या, क्वेश्चंस देख लेते हैं इसका। नोट में लिखवा देता हूं मैं। किसी वस्तु की लंबाई के किसी वस्तु की लंबाई के आधे लंबाई का दर्पण यूज करके, मतलब प्रयोग करके उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में देखा जा सकता है। किसी वस्तु की लंबाई के आधे लंबाई का दर्पण प्रयोग करके उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में देखा जा सकता है, मतलब यदि किसी दर्पण के सामने 5 फीट का कोई इंसान खड़ा हुआ है, तो उसका उस दर्पण के अंदर पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम 2.5 फीट के दर्पण की हमें आवश्यकता होगी। 2.5 फीट का अगर दर्पण हमने ले लिया, तो हम पूरा हमारा प्रतिबिंब, 5 फीट के व्यक्ति का प्रतिबिंब उस दर्पण में देख सकते हैं। ये नोट में मैंने नोट करवाया है क्योंकि ये कंडीशन तुम्हें याद होनी चाहिए, क्योंकि कितनी बार इन क्वेश्चनों को पूछ लिया जाता है। जैसे इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति की लंबाई, यदि किसी व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है, यदि किसी व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है, तो उसे दर्पण में अपना
पूरा प्रतिबिंब, अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी ऊंचाई के दर्पण की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। मतलब कोई दर्पण है, किसी दर्पण के सामने कोई 6 फीट का व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो चाहता है वो उस दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखें, तो उसे कितने लंबाई अर्थात कितनी ऊंचाई के दर्पण की आवश्यकता होगी। तो हमने सीधे नोट पे लिख रखा है, देखें हम नोट दोबारा पढ़ते हैं कि किसी वस्तु की लंबाई के आधे लंबाई का दर्पण प्रयोग करके उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में देखा जा सकता है। तो यहां पर बात कर रहे हैं अपन कि दर्पण के सामने कितने फीट का व्यक्ति खड़ा हुआ है, 6 फीट का, तो कम से कम कितने दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी, 3 फीट ऊंचे दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी। आंसर होगा हमारा कितना, आधा हो गया, मतलब 6/2 बराबर 3 फीट, मतलब क्या हो गया, 3 फीट के दर्पण की आवश्यकता होगी। तो वो जब 3 फीट के दर्पण के सामने खड़ा होगा तो उसे उसका पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में नजर आएगा, 3 फीट में उसको पूरा दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब नजर आ जाएगा। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। अगला टॉपिक है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। नया टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम बात करें कि गोलीय दर्पण होते क्या हैं। तो सबसे पहले परिभाषा हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, जैसे गोलीय दर्पण को पहले हम समझ लें उसके बाद परिभाषा लिखेंगे। कोई भी खोखला कांच का गोला है, एक कांच का गोला लेते हैं जो पूर्ण रूप से क्या है, खोखला, और इसका इस भाग को अगर हम काट दें, इसको इस प्रकार से अपन काट दें इसमें से कि अपन ने इसके टुकड़े कर दिए, ये टुकड़ा कर दिया जैसे मैंने इसका, तो इसको काटने पर, इसको काटा अपन ने तो अभी कटा हुआ टुकड़ा कौन सा है, ये वाला टुकड़ा हुआ, एक कटा हुआ टुकड़ा। जब मैंने इसको इस खोखले कांच के गोले को काट दिया तो अब इसका कटा हुआ भाग कौन सा बना, ये वाला भाग कटा हुआ है। जब ये कटा हुआ भाग है तो ये खोखले गोले का जो कटा हुआ भाग होता है उसके किसी भी एक पृष्ठ को अपन कलई कर दे, कलई मतलब इसको क्या कहते हैं, रजत पदार्थ से
पदार्थ इसके ऊपर लेप कर दें, या तो इधर की ओर या इधर की ओर, तो इसके किसी भी एक भाग पर अपन कलाई कर देंगे, वो अलग अलग कंडीशन है। इधर इसको रजत पदार्थ लेप करेंगे तो अलग दर्पण बनेगा, इधर करेंगे तो अलग दर्पण बनेगा। तो इसमें क्या करते हैं, किसी भी एक भाग पर इधर या इधर अपन रजत पदार्थ का लेप कर दें तो दूसरा भाग इसका परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, तो यही कहलाता है गोलीय दर्पण। और इसका जो वक्रता केंद्र होगा, सेंटर पॉइंट, वो क्या होगा, इस गोले का जो खोखला गोला था उसका केंद्र क्या था, ये इसका सेंटर पॉइंट था, किसका, इस खोखले गोले का। तो इसका सेंटर पॉइंट भी क्या होगा, यही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये कटा हुआ भाग तो उसी का, यदि इसको अपन पूरा गोला वापस करें तो इसी जगह इसका क्या होगा, सेंटर पॉइंट। तो ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, वो डेफिनेशन सभी अपन बाद में लेंगे, पहले तो अपन केवल बात कर रहे हैं कि गोले दर्पण होता क्या है। तो गोले दर्पण की सीधी सीधी परिभाषा ये भी होती है कि किसी खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग जिसके एक तरफ रजत पदार्थ का लेप किया जाए तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक का कार्य करे, तो इसे ही हम गोलीय दर्पण कहते हैं। या इसकी और परिभाषा दूसरी भी है, जैसे दूसरी परिभाषा देखें तो ऐसे दर्पण जिनका पृष्ठ वक्राकार होता है तथा इनसे बनने वाले प्रतिबिंब की आकृति दर्पण के वक्राकार पृष्ठ के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब अपन ने इसमें लिया था कि ये कटा हुआ भाग होता है, तो इसको इसमें आगे पर सम्मिलित कर सकते हैं कि गोलीय दर्पण के पृष्ठ को किसी खोखले गोले का भाग माना जा सकता है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, तो कोई भी परिभाषा अपन लिख सकते हैं। वक्राकार पृष्ठ जो एक कर्व ले रहा है, ये कर्व वाला भाग होता है, ये वक्राकार पृष्ठ कहलाता है। तो लिखिए परिभाषा, ऐसे दर्पण जिनका पृष्ठ वक्राकार होता है, ऐसे दर्पण जिनका पृष्ठ वक्राकार, जिनका पृष्ठ वक्राकार होता है, ऐसे दर्पण जिनका पृष्ठ वक्राकार होता है तथा इनसे वक्राकार होता है तथा इनसे बनने वाले प्रतिबिंब की आकृति दर्पण के तथा इनसे बनने वाले तथा इनसे बनने वाले प्रतिबिंब की आकृति दर्पण के वक्राकार पृष्ठ के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, बनने वाले प्रतिबिंब की आकृति, आगे हो गया मतलब ही हो गया, ऐसे दर्पण जिनका पृष्ठ, एक बार और परिभाषा अपन पढ़ लेते हैं, ऐसे दर्पण जिनका पृष्ठ वक्राकार होता है तथा इनसे बनने वाले प्रतिबिंब की आकृति दर्पण के वक्राकार पृष्ठ के अनुसार दर्पण के वक्राकार पृष्ठ के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, गोलीय दर्पण दर्पण
कहलाते हैं या कहलाता है। गोलीय दर्पण को किसी खोखले कांच के गोले दर्पण को किसी खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। पहला परिभाषा हो गई, ऐसे दर्पण जिनका पृष्ठ वक्राकार होता है तथा इनके बनने वाले प्रतिबिंब की आकृति दर्पण की वक्राकार पृष्ठ के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, गोले दर्पण कहलाते हैं। गोले दर्पण को किसी खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है, जैसा कि मैंने भी चित्र में तुम्हें समझाया था। इसके बाद और हम समझ लेंगे। दूसरी परिभाषा और लिख सकते हैं अपन, अथवा कोई भी एक परिभाषा याद रखनी, ऐसा नहीं कि पूरी परिभाषा है पेपर में आए और हम अथवा लगाकर पूरी परिभाषा लिखते रहे। अथवा किसी खोखले, वही जो अपन यहां लिखा है उसी को अलग से परिभाषा के रूप में लिखा जा सकता है, किसी खोखले किसी खोखले कांच के गोले किसी खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग किसी खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग किसी खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग जिसके एक तरफ रजत पदार्थ का लेप किया हुआ हो, रजत पदार्थ का लेप किया हुआ हो, जिसके एक तरफ रजत पदार्थ का लेप किया हुआ हो तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक का कार्य करे तो इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। दोनों परिभाषाएं, कोई भी एक परिभाषा भी याद रखनी है। पहली परिभाषा में हमने पढ़ा है ऐसे दर्पण जिनका पृष्ठ वक्राकार होता है। वक्राकार मतलब जैसे ये गोला है, गोले को अपन ने काटा, काटने पर जब हमें ये पृष्ठ मिलता है तो ये वक्राकार पृष्ठ, ये कहलाता है वक्राकार पृष्ठ। ऐसे दर्पण जिनका पृष्ठ वक्राकार होता है तथा इनसे बनने वाले प्रतिबिंब की आकृति दर्पण के वक्राकार पृष्ठ के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। ये वक्राकार पृष्ठ है, इसके आधार पर भिन्न भिन्न होती है। कभी तो हम कलर जो रजत पदार्थ अगर इधर की ओर लगा देंगे तो ये तो बन जाएगा उत्तल दर्पण, और रजत पदार्थ को हम इधर की ओर लेप कर देंगे तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण। तो इस आधार पर ये दो भागों में भी बांटे गए हैं। तो अभी तो केवल हम बात कर रहे हैं गोले दर्पण की, हम मैंने ये केवल अपन को समझना है कि वक्राकार पृष्ठ कौन सा होता है, तो ये होता है वक्राकार पृष्ठ काटने पर के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, गोले दर्पण कहलाते हैं। तो ये जो अपन ने दूसरी परिभाषा लिखी वो यही इंक्लूड है इसमें। गोले दर्पण को किसी खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग माना
जा सकता है, मतलब ये गोला जो है, इस गोले को अपने काटा तो ये कटा हुआ भाग इसका ये है। दूसरी परिभाषा में इसी को अपने पूर्ण डिटेल में लिख दिया कि वही है जो अपन ने पैराग्राफ चेंज करके लिखी है, किसी खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग जिसके एक तरफ रजत पदार्थ का लेप किया हुआ हो तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक का कार्य करे। जैसे ये गोला, इस गोले को हमने यहां से काटा तो ये हमें कटा हुआ भाग मिल गया इसका, इसको वक्राकार भाग भी बोलते हैं ऊपर की परिभाषा के अनुसार। अब इसके आगे लिखा हुआ इसमें कटा हुआ भाग जिसके एक तरफ रजत पदार्थ का लेप, एक तरफ या तो इधर या इधर की ओर, तो एक तरफ कहीं भी अपन रजत पदार्थ का लेप कर दें तो एक तरफ रजत पदार्थ का लेप होगा तो उधर से तो किरण आपतित होगी नहीं, किधर होगी, दूसरी तरफ, तो दूसरा तल क्या हो जाएगा इसका, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। और इसी परिभाषा को इसी के आधार पर हमने पढ़ा है। अब बात करें अपन गोले दर्पण, तो हमने समझ लिया कि गोले दर्पण क्या होता है। अब गोले दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अब हम बात करते हैं कि गोले दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम नीचे लिखते हैं गोले दर्पण गोले दर्पण को दो भागों में, गोले दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। पहला अवतल दर्पण, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो जो गोले दर्पण है उनको हमने दो भागों में बांटा गया है, क्योंकि रजत पदार्थ का लेप ऊपरी विभाग पे कर देंगे तो अवतल दर्पण बन जाएगा, और अंदर वाले भाग पे कर देंगे तो उत्तल दर्पण बन जाएगा। अवतल दर्पण को अपन, अवतल दर्पण को हम उत्तर दर्पण को हम क्या बोलते हैं, कौन केव लेंस भी, कौन केव मिरर भी कहते हैं, कौन केव मिरर, इंग्लिश में नाम इसका कौन केव मिरर, और इसका कॉनवेक्स मिरर। तो गोले जो दर्पण है उनको दो भागों में बांटा गया है, पहला अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर और दूसरा उत्तल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण कॉनवेक्स मिरर, कॉनवेक्स मिरर। उत्तल दर्पण, इसके बाद नेक्स्ट इनकी डिटेल अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही, इस सब को आपको नोटेड करना है, प्रत्येक स्टूडेंट को जितना भी पढ़ाया जा रहा है प्रत्येक हमको नोट करते हुए आगे बढ़ना है, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे कटौती लेंगे। धन्यवाद।